हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं ऐसे प्लांट को लाया हूँ जो प्लांट को आपको देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो इसका लीफ, इसका पत्ता देख रहे हो। इसका पत्ता जब देखने में लगता है बहुत रुखड़ा होगा, लेकिन जब छूते हैं तो बहुत सॉफ्ट, ये थोड़ा मोटा है। जितना जिस तरह एक प्लास्टिक लगता है ना, तो उस तरह प्लास्टिक के जैसा ही इसका ये लीफ पत्ता है। आपको बिल्कुल प्लास्टिक वाला फीलिंग्स आएगा इसका पत्ता को जो छूओगे आप। इसके जो पौधे हैं ना, तो इसमें दो तीन यहाँ पे ब्रांच निकले हुए हैं। तो मेरे पास ये आइडिया है, क्या इस दो तीन ब्रांच को सेपरेट सेपरेट कर दिया जाए। मतलब इसका हम जो है कटिंग से, इसका कटिंग ब्रांच को कट करके अलग अलग जो है हम दो तीन प्लांट लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं वही करने वाला हूँ। ये जो प्लांट है, इस एक प्लांट से हम दो तीन प्लांट बनाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो है दो तीन गमले ले लेंगे छोटे छोटे। हमने यहाँ पे गमला लिया, इस तरह से यहाँ पे मिट्टी फिल कर लिया। इसमें मिट्टी और गोबर का कंपोस्ट वगैरह दोनों चीज़ है, इसमें गोबर का खाद वगैरह सूखा हुआ चीज़ है। तो इस तरह से हम दो, कम से कम दो तो बनाएंगे ही, दो तीन अगर हो सके तो वो कोशिश करेंगे वो बनाने का। तो यहाँ पे हमने गमले ले लिया, इसमें मिट्टी फिल करते हैं। उसके बाद इसका ब्रांच को अलग करके देन इसको हम जो है सेपरेट सेपरेट गमले में लगाते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। तो सिंपल सा चीज़ है, जैसे कि इस पे मैंने जब इसमें मिट्टी जब हटाया था तो मैं जड़ को इसको ढीला कर दिया था, तो इसे निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा मुझे। तो इसका जड़ हालांकि बहुत नीचे तक होगा, तो मैंने इसका ऑलरेडी बहुत ढीला कर रखा था पहले से इसके जड़ को। चलिए फटाफट हम इसको निकालने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देख पाएंगे ये निकल रहा है, और ये देखो ये जो है ये निकल गया, ये जो है देखो, एक तो ये भाग रहा है, एक तो हमने अलग कर दिया। यहाँ पे आप देख पाओगे ये देखो, एक हमने यहाँ से अलग किया, एक छोटा सा पार्ट लगा हुआ था यहाँ पे, ये छोटा पार्ट इस तरह लगा हुआ था, इस तरह से इसे अलग किया, और एक यहाँ पे है, तो इसे भी हम अलग करेंगे। ये जो देख रहे हो ना, इसे भी हम अलग करेंगे, इसे भी अलग करके हम लगाएंगे। तो सिंपल सा यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं यहाँ अगर फोड़ दूँ तो अलग हो सकता है, उत्तर की टूट गया ये तो अलग होगा नहीं, आई थिंक ये लग जाना चाहिए। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं ये लगता है कि नहीं। ये इसमें जड़ जो है छोटा सा है, इसे हम देखेंगे लगता है कि नहीं, लेकिन ये दोनों तो जो है साइड रखते हैं फिलहाल, हम ये दोनों तो लग ही जाएगा। तो चलिए हम फटाफट इसको लगाते हैं इस छोटे छोटे गमले में, तो इसे साइड कर देते हैं। तो सिंपल इसमें कुछ नहीं करना, ये था जड़ जिसका लंबा है ना, तो कोशिश ये करना है हमें कि इसका जड़ नीचे तक रहे, और इसके बाद जो है हम इसमें मिट्टी फिल करें। बहुत इजी प्रोसेस है इसका लगाने का। तो देखो ये एक तो लग गया यहाँ पे, हमने इसे जो मिट्टी बस जो था हमारे पास कंपोस्ट वाला उसे लिया, और यहाँ एक हमने इस तरह लगा दिया। अब इसमें पानी देने का टाइम आया, पहले इसे लगा देते हैं हम दोनों को। एक यहाँ लग चुका है, बारी आया दूसरे का, तो इसमें भी हम इसमें लगा देते हैं। ये जो प्लांट है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, इसका जो लीफ है पत्ता जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसलिए मैंने इसे परचेस किया था। ये बहुत देखने में बहुत अच्छा है, बांस के पत्ते की तरह दिखता है, लेकिन बांस है नहीं, और इसका जो पत्ता है आपको छूने में लगेगा, जब छूओगे इसे तो प्लास्टिक वाला फीलिंग्स आएगा। तो यहाँ पे इसे भी हमने लगा दिया है, थोड़ा मिट्टी और इसमें फिल करना पड़ेगा। ये प्लांट इसे भी लगा दिया है, तो दो प्लांट हमारा कंप्लीट है। अब जो एक छोटा सा है, तो इसे हम इस गमले में नहीं लगाएंगे, पहले से हम जो है प्लास्टिक के किसी कप में लगाएंगे। तो कप में लगा के ट्राई करेंगे कि ये कप में लग पाता है कि नहीं, क्योंकि जड़ इसका जो है ये देख पाओगे जड़ थोड़ा सा ना के बराबर है, ये टूट गया था यहाँ से। तो इसे भी हम एक्सपेरिमेंट कर लेंगे कि ये लगता है या नहीं लगता है, क्योंकि दो तो यहाँ पे कंफर्म हूँ मैं कि दो ये लग जाएगा, क्योंकि दोनों में जड़ था ऑलरेडी। तो चलिए अब एक प्लास्टिक का ग्लास लेते हैं, उस ग्लास में जो है इसे, जैसे कि ये ग्लास देख रहे हो, इसमें हम इसे लगा कर ट्राई करने वाले हैं। अगर लग जाएगा तब इसे बड़े गमले में हम लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो इस तरह से हम इसे ले लेंगे, इस
से हम ट्राई करेंगे ये लगता है कि नहीं, उसके बाद ही हमें इसे अगर लग जाता है थोड़ा जड़ वगैरह इसके निकल जाएगा तो उसके बाद जो हम इसे गमले में लगाएंगे। तो ये भी एक्सपेरिमेंट होगा एक, क्योंकि चैनल ही है एक्सपेरिमेंट वाला, तो इसमें प्लांट्स रिलेटेड एक्सपेरिमेंट होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट भी हम देख लेंगे कि ये सक्सेस करता है या नहीं करता है, क्योंकि इस प्लांट को मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह से कटिंग से लगाया है। कटिंग हालांकि बहुत सारे प्लांट का मैंने लगाया, लेकिन इस प्लांट का पहली बार लगाया हूँ। तो ये तीन प्लांट जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। देखो, एक प्लांट से हमने तीन बना दिया है, देख पा रहे हो? देखो, तो यहाँ पे इसमें थोड़ा थोड़ा पानी देना है। इसमें जो है ना गमले में होल नीचे ज़्यादा है, इसलिए पानी ये लीकेज हो रहा है, तो अच्छा है। ज़्यादा होल रहने से क्या है कि पानी इसमें लगने का चांसेस जो है वो कम हो जाएगा। थोड़े थोड़े करके पानी देंगे इसमें, हम थोड़ा बैठने देंगे, इसे अब्जॉर्ब होने देंगे, उसके बाद ही हम इसमें फिर से पानी देंगे। तो देख सकते हो ये जो प्लांट है, तीनों प्लांट हमने लगा दिया है, एक प्लांट से हमने तीन प्लांट बना लिया है कटिंग के जरिए। अभी ये जो है एक दो दिन में ये पूरा लग जाएगा, क्योंकि जड़ था दोनों का तो लग जाएगा, दोनों बड़ा वाला, लेकिन छोटे वाले का चांसेस कम है। तो फिर भी देखते हैं क्या आता है, वो लगता है या लग पाता है कि नहीं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। प्लांट से रिलेटेड अलग अलग किस्म के प्लांट होते हैं, चाहे उसका कटिंग से लगाना हो, चाहे वो प्लांट लगाना हो, जो चाहे वो केयरिंग हो, तो जो भी चीज़ें इस चैनल पर आते रहता है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।